हमने किया फंक्शनल आइसो। अब हम करने लगे, पहले रिंग चेन करेंगे, पहले हम रिंग चेन करेंगे, लास्ट वन रिंग चेन आइसो, वो मिलता जुलता है, रिंग चेन आइसो, रिंग चेन आइसो। लिखो, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दीज आर दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वन मॉलिक्यूल इज ओपन चेन, वन मॉलिक्यूल इज ओपन चेन एंड अनदर मॉलिक्यूल इज एंड अनदर मॉलिक्यूल इज क्लोज चेन, अनदर मॉलिक्यूल इज क्लोज चेन। एक मॉलिक्यूल ओपन चेन होना चाहिए और दूसरा मॉलिक्यूल क्लोज चेन होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक ये है ब्यूट वन इन, क्या है ब्यूट वन इन, व्हाट द मॉलिक्यूल फॉर्मूला, सी फोर एच एट ओ, ये बन रहा है, कार्बन चार है, हाइड्रोजन आठ है, ओ नहीं है, सॉरी सी फोर एच सी फोर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये ना, ये जो है ये रियलिटी में ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C4H8, पर एक ओपन चेन है और दूसरा, तो इसे बोलते हैं रिंग चेन आइसो। क्या बोलते हैं, रिंग, रिंग मतलब क्लोज, चेन मतलब ओपन चेन, तो इसका नाम क्या रख दिया, रिंग चेन। आप कोई भी एल्कीन लीजिए, अब मान लीजिए मैं तीन कार्बन वाला लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब मैं साइक्लोप्रोपेन ले लेता हूं, ये साइक्लोप्रोपेन है, तीन कार्बन क्लोज चेन, क्या हुआ CH2 CH2। अब ये क्या हो गया, क्या हो गई क्लोज चेन, क्या हो गया, तो आप देखिए पहले वाले का फॉर्मूला क्या है, C3H6, दूसरे का C3H6, पहले वाले का नाम क्या है, प्रॉप वन इन, और इसका प्रोपीन साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम, एक ओपन चेन है और दूसरा क्लोज चेन, तो ये क्या बन गया, रिंग चेन आइसो, क्या बन गया, रिंग चेन आइसो। बोलिए समझ आ गया है, तो एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है टॉटोमर्स, टॉटोमर्स
टॉटमस। लिसन, इसकी डेफिनेशन नहीं, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या है रीअरेंजमेंट? होता है रीअरेंजमेंट, क्या होता है वो समझिए। आपने एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें OH एंड डबल बॉन्ड शुड बी ऑन द सेम कार्बन। एक ऐसा कंपाउंड लिया, सर लोगों को देख के भी समझ नहीं आता। एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें सेम कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। अगर आप इस वाले कार्बन को देखें तो इसमें डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है एंड OH भी लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड्स अनस्टेबल होते। क्या होते हैं? अनस्टेबल। और इसमें रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? मतलब एटम्स अपनी जगह बदलते हैं, बॉन्ड अपनी जगह बदलते। ये जो डबल बॉन्ड का बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास जाए और ये जो H है वो यहां जाए CH2 के पास। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया। अब ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। फिर से देखो CH3, अब मैं चार कार्बन लेता हूं CH2 C के साथ OH एंड डबल बॉन्ड CH2। सारे बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, क्या इसमें कोई ऐसा कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो? तो यहां रीअरेंजमेंट हो। रीअरेंजमेंट कैसे हो? ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा और H इधर आ जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 C के साथ डबल बॉन्ड O एंड CH। यहां तक समझ आ गया? यस सर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O कीटो, तो इसे लिखा कीटो। ये डबल बॉन्ड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सारे ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो लिखते हैं OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल, तो ओल। इट इज आल्सो नोन एज कीटो इनोल आइसोमर। इट इज आल्सो नोन एज कीटोन भी है, ईन भी है और ओल भी है। तो क्या बन गया? कीटो इनोल आइसोमर। बेटा एक चीज सुनो, कॉपी करोगे तो 50-50 याद होगा। अगर तुम अच्छे से समझ के खुद लिख पाए फिर नियर टू 100% याद होगा। एक बार देखो, आप कहते हो तो मैं एक एग्जांपल और करा देता। बोलो कि समझ आ गया है? इसको एक बार देखो फिर कॉपी में खुद लिखने की ट्राई करो।